नमस्कार दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। एक हमारे जनों का बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने करीब 4-5 महीने से कोर्स ज्वाइन किया है और वो मुझसे आज फ़ोन करके बात करना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि ये माइंड क्या है, थॉट्स माइंड है कि इमोशन माइंड है। बोले थे कि मैंने 3-4 बार आपके वीडियोज़ देखे हैं, शुरू के जो 15-20 वीडियोज़ हैं मैंने 3-4 बार देखे हैं, लेकिन मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये माइंड क्या है। और मुझे याद आ रहा है करीब 4-5 महीने पहले मेरे उनसे फ़ोन पे करीब 1 घंटे बात हुई थी और मैंने उनको समझाने की पूरी कोशिश की थी कि माइंड क्या है, और मैंने अपनी जान से समझा भी दिया था और मेरे ख्याल से वो समझ भी गए थे। उसके बाद फिर से वही सवाल उन्होंने पुटअप किया, क्यों पुटअप किया और ये माइंड क्या है। इन दोनों चीज़ों को मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जिनों का बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे जिनों का एडवांस कोर्स के। बिकॉज हमारी जो बिलीव्स होती हैं, जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग्स होती हैं, उसमें से ढेर सारे ऐसे सवाल निकल के आते हैं कि बहुत मुश्किल है स्पिरिचुअलिटी, ये तो बहुत जन्म लग जाएंगे। बहुत बार जो फैक्ट होता है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हमारा माइंड कहता है। क्यों? क्योंकि हमारे अपने खुद के बिलीफ हैं। दूध को हम देखते हैं तो हमको पता है कि ये 2 दिन या 4 दिन चलेगा, हम उसके बारे में श्योर हैं बिकॉज वो हमारा एक्सपीरियंस है। उसमें हम ये नहीं कहते कि अरे ये तो बड़ी मोटी गाय का दूध है, बड़ी अच्छी गाय का दूध है, तो शायद 1 साल चल जाए। हम कभी ऐसा नहीं कहते क्योंकि हम जानते हैं उस चीज़ को। लेकिन जो भी हम माइंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम ये जानते नहीं हैं, तो जो भी हमारा बिलीफ है, जो हमारी फीलिंग है, वो उसको हम ले आते हैं। और मैं चाहता हूँ वो बिलीफ को क्लियर करने का तरीका आपको मालूम पड़ जाए। माइंड क्या है, इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। एक थियोरी के फॉर्म में, जिसमें आपने ये वीडियो देखा, आपने किसी का लेक्चर देख लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया और आपको कुछ आइडिया आ गया, चल गए अपने रास्ते चल गए, ये थियोरी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये ब्रेन है, इसके चारों तरफ जो होता है वो माइंड होता है और आपको पता चल गया थॉट्स और जो फीलिंग्स हैं ये माइंड। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इसी ब्रेन के चारों तरफ रहता है और ये ब्रेन से ही अटैच्ड होता है माइंड, वो क्लियर हो गया, पता चल गया, ये तो हो गया थियोरी। लेकिन इसके बाद जब प्रैक्टिसेस में जाएंगे आप, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा माइंड असल में क्या है, कि वो आपके ही बॉडी का एक पार्ट है। और जैसे आप अपनी उंगलियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक ऐसे ही अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि माइंड थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं, तो हमको पता है कि हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में रहते नहीं हैं, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी आपको एहसास होगा कि आपका जो माइंड है, जो थॉट्स है और जो आपकी फीलिंग्स है और जो बाकी और भी चीज़ें हैं माइंड, जो मैं बताऊंगा अभी, वो सारा का सारा आपके इस बॉडी का पार्ट है। एक बात। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है माइंड का और स्पिरिचुअलिटी का और मेडिटेशन का, ये वर्ड नोट कर लीजिए, ये एरुडाइट सब्जेक्ट है। एरुडाइट मतलब होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, जिसमें बहुत गहरे पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेडिकल की पढ़ाई एक एरुडाइट सब्जेक्ट है, लॉ की पढ़ाई एक एरुडाइट सब्जेक्ट है। जितनी भी प्रोफेशनल पढ़ाई होती है, ज़्यादातर जिसमें कि आपको काफ़ी साल, 3-4 साल 5 साल लगा करके उसको सीखना पड़ता है, उसको एरुडाइट बोलते हैं। उसमें थियोरी भी होती है और प्रैक्टिसेस भी होती है। जैसे मैंने कल ही आपसे कहा था, फर्स्ट ईयर में MBBS में हम लोग जब किसी मरीज़ का सिम्टम देखते थे, सांस फूलना देखते थे, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि ये ऑर्थोपनिया है कि डिस्निया है कि कुछ और है। लेकिन अब हम लोगों को मरीज देखते देखते प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई है कि इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया, इसको बोलते हैं डिस्निया, इसको बोलते हैं कफ, इसको बोलते हैं और कुछ। तो ये जो प्रैक्टिस से आने वाला नॉलेज है, वही आपको कन्फर्म करेगा कि आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आप अपनी समझ को किसी बच्चे को समझा सकें, जो भी आप समझे हैं, तभी आप कह सकते हैं कि आप समझे हैं। बड़ों को नहीं, बड़ों को समझाने के लिए हमको ढेर सारे शब्द यूज़ करने पड़ते हैं, ढेर सारे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। और मैंने देखा है कि जब हम सवाल भी पूछते हैं, अपने पर्सनल सवाल, तो उसको भी हम लोग ढेर सारे शब्दों में बोलते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि माइंड को समझना, स्पिरिचुअलिटी को समझना एक एरुडाइट सब्जेक्ट है, बहुत स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। इसको सालों का प्रैक्टिस चाहिए, हर रोज़ का कम से कम 1.5 घंटे और कम से कम 3-4 साल तक का आपका थियोरी और प्रैक्टिस। तो थियोरी कैसे पढ़ते हैं आप? नोट्स बना करके। मैंने आज ही बताया एक स्टूडेंट को कि जब भी आप जनों का की या BDM की या WBX की वीडियोस देखें, डेट लिख लें, उस टॉपिक का हेडिंग लिखें और 1 या 2 लाइन समरी में लिखें। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से
हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तीन तीन चार चार पेजेस का नोट्स बनाते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं कि मैंने नोट्स बनाया है। हम लोग मेडिकल कॉलेज में बहुत नोट्स बनाते थे, लेकिन वहाँ पर तो मजबूरी थी, इम्तिहान होने वाला था। प्रोफेशनल कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इम्तिहान होता है, इसलिए हम लोग को नोट्स बनाना पड़ता है। लेकिन जो लोग भी जेन्युइन साइंटिस्ट हैं, जो डिस्कवरर्स हैं, वो लोग अपने खुद के नोट्स बनाते थे। डाविंसी जो है वो बहुत बड़े डिस्कवरर थे, उनके नोट्स जो नोटबुक है वो तो बिल गेट्स ने करोड़ों रुपए में ख़रीदा है, वो जो नोट्स बनाते थे। जो भी आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको लिखना डेट के साथ, सीरियल नंबर के साथ, आपको एक ब्रेन में एक इम्प्रेशन डाल देता है, एक फिक्स्ड कर देता है। जो भी आपका थॉट हवा में था उसको सॉलिडिफाई कर देता है। तो अगर आप मुझसे साल भर बाद फिर से पूछते हैं कि सर माइंड क्या है और थॉट क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कुछ इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड पढ़ाई नहीं की है, बहुत शिद्दत के साथ, शिद्दत नहीं कहेंगे, बहुत रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंटली बहुत स्टडी नहीं किया है इसको। ऊपर ऊपर से आपने वीडियो देख लिया है, कार चलते समय आपने वीडियो ऑन कर दिया है, या कहीं वॉक पे गए थे तो वीडियो ऑन कर दिया है। बट जिस तरह से मैं पढ़ता हूँ इन सब्जेक्ट्स को, मैं इतनी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ता हूँ। मैं तो जब भी मुझे पढ़ाना होता है तो पहले मैं उस बुक को पढ़ता हूँ, उसमें से अंडरलाइन करता हूँ कि कौन से शब्द का मतलब मुझे सुपरफिशियली पता है, फिर मुझे उसको डीपली जानना होता है तो मैं गूगल करता हूँ, उसके अलग अलग सेंटेंसेस खोजता हूँ, उसकी एटिमोलॉजी खोजता हूँ अगर मुझे बहुत बार समझ में नहीं आता तो। तो जब आप डीपली स्टडी करेंगे तभी आपको ये जो सब्जेक्ट है माइंड और मेडिटेशन का समझ में आएगा, और जैसे जैसे आपको समझ में आएगा वैसे वैसे ही ये आपके रेगुलेशन में आएगा, तभी आप प्रैक्टिसेस कर भी पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं कुछ फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। बिकॉज हम किस चीज़ में एफर्ट डालते हैं, केवल बिलीफ पे नहीं, हम अपनी नॉलेज पर एफर्ट डालते हैं। अगर आपको पक्का पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, उस आदमी से मिलूँगा और मुझे 100,000 रुपये मिल जाएगा, तो आप पक्का जाएंगे। लेकिन अगर आपको अंदाज़ा है कि जाएंगे, लॉटरी है, क्या पता पैसा मिल जाए, क्या पता ना मिले, तो आप किसी के साथ जा रहे हैं तो चले जाएंगे, गर्मी धूप वगैरह होगी तो फिर नहीं जाएंगे, बोलेंगे लॉटरी है यार, मिलेगा नहीं। तो जहाँ पर आप केवल डाउट और बिलीफ का एक मिक्सचर है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालेंगे, वहाँ पर आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे वरेंगे नहीं, और फिर वहाँ आपको ये फीलिंग आएगी कि हाय राम, ये तो बहुत दूर की बात है, इसको तो जन्मों जन्म लग जाएंगे हम लोग को धारणा, ध्यान और समाधि पाने में। और केवल तब ये सब क्या हो जाएगा, आपके माइंड के आइडियाज़ हो जाएंगे। हाँ, समाधि भी कोई चीज़ होती होगी, पता नहीं, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ समाधि, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, ये सब इसी माइंड का खेल है। किसी ने आज से सालों साल पहले सोचा होगा कि मुझे ढेर सारे लोग चाहिए जो लिखें, मतलब किसी ने भी ना, जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आज हम लोग लिखना पढ़ना जानते हैं, अपनी एफर्ट्स की वजह से नहीं जानते खाली, किसी ने बहुत साल पहले सोचा कि उसको अपने कंपनीज में, ऑफिस में लिखने वाले नौकर चाहिए, तो उन्होंने लिखने वाले और पढ़ने वाले कॉलेज बनाए, तब जाकर के ढेर सारे लोग आज पढ़ और लिख पा रहे हैं। तो ये जो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, ये आपको एक तरह से अपने को एक्साइट भी करना होगा, बिकॉज अगर आपको ये नहीं भरोसा है कि जिनों का पढ़ करके, माइंड के बारे में समझ करके आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप पढ़ेंगे क्यों? तो वो भी आपको एक इमोशनल अपने को किक देना होगा, इमोशनल एक ड्रिंक देना होगा, यस, अगर मैं इसको समझ जाता हूँ, अपने माइंड को समझ जाता हूँ, तो मेरी लाइफ और मेरे आसपास के लोगों की लाइफ में बहुत बहुत कुछ चेंज ला सकता हूँ मैं। मुझे लग रहा था उस समय जब पहली बार ज़िनोगा मेरे हाथ में आई थी और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा था जैसे नहीं अस्त्र शस्त्र मिल जाते हैं किसी को, खूब बड़े बड़े, ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरे पास दैविक अस्त्र मिले हैं, मेरे पास ऐसे करोड़ों की प्रॉपर्टी आ गई है, बहुत कुछ, बहुत ताकत आ गई है, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस ताकत को समझूँ और इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये एरुडाइट नॉलेज है। एरुडाइट मतलब आपको एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक आपकी लाइफ में ये प्रैक्टिसेस नहीं उतरती हैं, तब तक आपको पढ़ना होगा। जब तक नहीं उतर रही है इसका मतलब आप समझे ही नहीं हैं, आप केवल ऊपर ऊपर से समझें, बिकॉज ये इतनी गहरी नॉलेज है, इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि माइंड को एक बार समझ में आ जाए वो छोड़ेगा नहीं पढ़ाई, क्योंकि ये तो मौत से जीतने की पढ़ाई है, ये तो एक तरह से मृत्युंजय मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र कहा जाता है कि आपको मृत्यु से बचा सकता है, तो ये वही मृत्युंजय मंत्र है जो आपको मृत्यु से बचा सकता है। तो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, याद भी हो जाना चाहिए, इसके ढेर सारे वर्ड्स हैं जो पहली बार आप सुनेंगे तो खाली दिमाग में ऊपर ऊपर से घूमते रहेंगे, उसके बाद जब दोबारा पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स फिक्स्ड होंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो उन फिक्स्ड वर्ड्स की एक फाइल बनती है और उस फाइल में नॉलेज इकट्ठी होती है।
जैसे UDM एक वर्ड है जिसकी एक फाइलिंग होगी जब दोबारा पढ़ेंगे और उसमें कुछ नॉलेज इकट्ठी होगी। आई सेंटर क्या है, तो आई सेंटर की जब फाइल बनेगी आपके दिमाग में तब जाकर के आप आई सेंटर के हिसाब से दुनिया देख पाएंगे, ई सेंटर को पहचान पाएंगे। केवल किसी के समझाने से, एक घंटे दो घंटे तक भी कोई समझा देगा तो भी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होंगे। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स तब डेवलप होंगे जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे इस विज्ञान को, इस एरुडाइट नॉलेज को समझने के लिए। थियोरी और प्रैक्टिसेस दोनों, जो आदमी केवल थियोरी पढ़ता है उसको भी ये नॉलेज बहुत समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज करेगा। तो आगे पढ़े तो थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको, माइंड क्या है। फिजिकल बॉडी है, हाथ पैर तो आप जानते ही हैं, ये है हमारा सर, सर में है ब्रेन। ब्रेन के चारों तरफ एक बहुत सूक्ष्म लेयर है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर बॉडी, और उसी को बोलते हैं माइंड। और इस माइंड के भी अपने अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट हैं, ये सर है, ये धड़ है, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ठीक ऐसे ही माइंड के भी अलग अलग पार्ट हैं। उसमें से तीन पार्ट तो हम जानते ही नहीं, और मैं बता भी दूंगा तब भी आप नहीं जानेंगे, बट फिर भी आप उसका नाम जान लीजिए। वो एडवांस्ड पार्ट्स हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, खाली नाम दिया है सेक्शन के हिसाब से। एक पार्ट है जो आप जानते हैं, माइंड की बात कर रहा हूँ, ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक पार्ट है, ये ब्रेन से सबसे नज़दीक जो अटैच्ड है वो है फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन में भी चार हिस्से होते हैं, आई, ई, एस और एम, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंसुओसिटी और मोटर या तो मूवमेंट। आई सेंटर समझता है दुनिया को, ई सेंटर महसूस करता है, एस सेंटर हमारे बॉडी में हैबिट क्रिएट करता है, और एम सेंटर इन तीनों की बात सुन करके काम करवाता है। ये केवल थियोरी है। जब आप अपने बैठेंगे, खाली रूम में बैठेंगे और दुनिया को देखेंगे, तब आपको पहचानना होगा कि मेरे माइंड में इस समय आई सेंटर ज़्यादा काम कर रहा है या ई सेंटर ज़्यादा काम कर रहा है, जो कि हमेशा ये मिक्सचर में काम करते हैं। प्योर आई सेंटर या प्योर ई सेंटर का काम नहीं होता है। कभी बहुत ज़्यादा इमोशन होता है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो उस समय आपका ई सेंटर ज़्यादा होता है। और ई में भी प्लस ई और माइनस ई होता है। प्लस ई मतलब पॉजिटिव इमोशन, माइनस ई मतलब नेगेटिव इमोशन। गुस्सा माइनस ई में आता है, खुशी प्लस ई में आती है। ऐसे ही इंटेलिजेंस भी प्लस होता है और माइनस होता है। जब अपनी बुद्धि को देख करके हम यूज़ करते हैं, दुनिया को समझते हैं और उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, दुनिया को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लस आई, बुद्धि इंटेलिजेंस लेकिन प्लस इंटेंसिटी में। और जब वही हम डिस्ट्रक्टिव तरीके से दुनिया को समझ करके डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी बुद्धि को यूज़ करते हैं तो बोलते हैं माइनस आई, मतलब इंटेलिजेंस माइनस। और ऐसे ही होता है सेंसुओसिटी, मतलब हमारी हैबिट, बॉडी की हैबिट, हमारे सारे एडिक्शंस इस सेंटर में आते हैं। उसमें हम अपनी बॉडी को यूज़ करके हम भाई सेक्सुअली अपने फैमिली को बढ़ा सकते हैं, अच्छी प्रजाति ला सकते हैं दुनिया में, या तो हम केवल अपने आप को सेक्सुअली मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को सेक्सुअल फुलफिल कर सकते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। इसमें अल्कोहलिज्म आता है, सिगरेट स्मोकिंग आता है, सारी बैड हैबिट्स माइनस एस होता है, सारी गुड हैबिट्स प्लस एस होता है। और ये तीनों अपने आप काम नहीं करती हैं, तीनों कंबाइंड होकर के एक ऑर्डर बनाती हैं, और वो ऑर्डर फॉलो करता है एम सेंटर। और वो कैसे काम करता है उसका एक अलग काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बेसिकली ये आपका माइंड है। इसके अलावा और भी पार्ट्स हैं माइंड के जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, तो वो हम अब आगे पढ़ते हैं।